वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी और आप अपने चैनल टेक्नो अभिषेक में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अनदर वीडियो की तरह ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक नई न्यूज़ लेकर आया हूँ मॉरिटोरियम के रिगार्डिंग, और ये सारी न्यूज़ फ्रेंड्स मैं न्यूज़ के माध्यम से कलेक्ट करता हूँ, जिसका मैंने आपको सोर्सेज बता रखा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। लास्ट वीडियो जो भी मैंने अपडेटेड करी है उनको आपने प्रॉपर तरीके से वॉच किया, उसकी मुझे बहुत खुशी है कि आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स मुझे वीडियो पर मिल रहा है फ्रेंड्स। बट फिर भी कोई भी क्यूरीज व्यक्ति था बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं मॉरिटोरियम एक्सटेंशन को लेके, जिसमें केरला के सीएम ने लेटर जारी किया है फाइनेंस मिनिस्टर को मॉरिटोरियम एक्सटेंशन को लेकर। तो आई होप सो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो सब न्यूज के माध्यम से होती है। तो चलिए हम पहले न्यूज को रीड करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये न्यूज अपडेट है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, जिसमें लिखा है केरला सीएम राइट टू निर्मला सीतारमन सिक्स मॉरिटोरियम एक्सटेंशन टिल दिसंबर। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम द स्टेट गवर्नमेंट हैज द डिमांड्स एक्सटेंशन ऑफ मॉरिटोरियम ऑल लोन टिल दिसंबर। यहाँ पर सभी लोन को 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन को लेकर बात कही गई है। इसमें आपका पर्सनल भी आता है और सारे लोन्स आते हैं। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ऑन संडे ब्रॉट लेटर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिक्वेस्टिंग टू हर डायरेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड द मॉरिटोरियम। रिक्वेस्ट करी है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कि रिजर्व बैंक इंडिया इसको आगे बढ़ाए 31 दिसंबर तक। अब देखिए द आरबीआई हेड अनाउंस मॉरिटोरियम ऑल लोन इंक्लूडिंग होम लोन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लोन टिल अगस्त 31। ये चीज आपको भी पता है, 31 तक के लिए ऑल लोन अवेलेबल था। एंड गवर्नमेंट डिसाइड द राइट टू सेंटर देयर वाज नो अनाउंसमेंट ऑन इस एक्सटेंशन। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया है कि इसको सेंटर आगे तक के लिए अनाउंसमेंट करे 31 दिसंबर तक के लिए। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है फ्रेंड्स, आप उन्हें रीड करें। इंडस्ट्रियल इन द MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर एंड स्मॉल ट्रेडर्स स्टिल क्लिंग। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रगल का वर्ड आज भी लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी MSME हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उद्योगपति हैं, अब वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उस टाइप का मार्केट नहीं है जिसके अंदर वो सारी चीजें फुलफिल कर सकें। देयर इज अ विजिबल लिक्विडिटी क्रंच, इट इज इम्पोर्टेंट द कंटिन्यू मॉरिटोरियम फ्यू मंथ। अभी जो क्रंच आ रहा है वो लिक्विडिटी का, वो कंटिन्यू है, इसके लिए उन्हें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कुछ महीनों के लिए। फ्रेंड्स, वी सजेस्ट एक्सटेंडिंग द मॉरिटोरियम टिल दिसंबर। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्यू मंथ का मतलब यह है कि आप दिसंबर तक इसे एक्सटेंड करें, यानी 3 मंथ और आगे दें। सेवरल, आप इसे भी रीड कर सकते हैं, सेवरल इनिशिएशन द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स हैड टेकन अप द मैटर विथ द स्टेट गवर्नमेंट द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड इज अनदर चैलेंज द फेस। We have also request scheme to provide relief terms interest the CM। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि जो इंडस्ट्रियल और ट्रेडर्स है, यानी जो बड़े उद्योगपति और छोटे उद्योगपतियों की तरफ से, उनके संगठन की तरफ से ये भी आया है कि मॉरिटोरियम एक्सटेंस करने के बीच में जो इंटरेस्ट होता है उन्हें भी वो लोग फेस करते हैं। तो इंटरेस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर और इस न्यूज़ के अंदर ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। उन्होंने दोनों चीज़ों पर लेटर लिखा है, एक तो फर्स्ट इस पर है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन को लेकर, और मॉरिटोरियम एक्सटेंशन जो हो रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर भी उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने इस लेटर के अंदर राइट कर दिया है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला के सीएम ने भी राइट में लिख दिया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीएलए भी है जो फर्स्ट ऑफ को सुनवाई है। दोनों साइड से अब फर्स्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको अपडेट करना था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स बनता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे।